नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है। आज का विषय है इतिहास का वैदिक काल या वैदिक सभ्यता। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट विषय है और अनेक जो पर्सन हैं इस विषय से पूछे आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे वो यूपीएससी एग्ज़ाम हो, एसएससी का हो, या अन्य भी कई स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हो, या अन्य भी कोई एग्ज़ाम हो, तो उसमें भी ये पूछा जाता है। तो आइए आज इसे जानने का प्रयास करते हैं क्रम अनुसार, जिससे कि आपको बड़ी आसानी से ये ध्यान में रह सके और आप इसके हर प्रश्न का उत्तर अपने एग्ज़ाम में दे पाएँ। तो आइए जानते हैं इसको। पहला पॉइंट इसका ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद भारत में एक नई सभ्यता का जन्म हुआ, जो कि वैदिक सभ्यता है। तो सिंधु घाटी का जब पतन हो गया, उसके बाद इसकी स्टार्टिंग मानी जाती है। इसे वैदिक सभ्यता का नाम दिया गया है, क्योंकि वो तो इसको नाम दिया ही गया है, साथ साथ इसे आर्य सभ्यता भी कहा गया है। इस सभ्यता की जो भाषा है वह संस्कृत है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सभ्यता की जो लैंग्वेज है वो कौन सी है, तो वो संस्कृत है। और जो लिपि है वो है देवनागरी है। तो दो बातें इम्पोर्टेंट इस अध्याय से हमारे पास सामने आई कि इसकी जो भाषा थी वो संस्कृत, और लिपि जो है देवनागरी है वैदिक सभ्यता की। वैदिक काल की जानकारी हमें वेदों से मिलती है, वही इसके मुख्य ग्रंथ हैं, इसलिए इसे वैदिक काल भी कहा गया है। वेद चार हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है इन वेदों के बारे में जानना, यदि हमें वैदिक काल के बारे में जानना है। तो पहला वेद जो है वो ऋग्वेद है, दूसरा सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वेद का अर्थ है ज्ञान अथवा जानना। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि वेद का क्या अर्थ है, तो ज्ञान अथवा जानना, इसके दो मतलब एक अर्थ माना जाता है इसका। ये वैदिक सभ्यता या वैदिक काल को दो भागों में हम बांट सकते हैं। तो पहला जो भाग है वह है ऋग्वैदिक काल या प्रारंभिक वैदिक काल है, और इसका जो समय माना जाता है वो माना जाता है 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। दूसरा जो इसका पार्ट है, जो दूसरा भाग है, वह है उत्तर वैदिक काल, और उसका समय जो है वो है 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। छठा हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट इससे रिलेटेड ये आता है वैदिक सभ्यता से, कि वैदिक सभ्यता आर्यों की सभ्यता है, इसलिए आर्यों का मूल निवास स्थान जानना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आर्यों से रिलेटेड है। तो इसके बारे में मैक्स मूलर जो ये कहते हैं, वो ये कहते हैं कि आर्यों का जो मूल स्थान है वह मध्य एशिया का बैक्ट्रिया जो क्षेत्र है वो उन्होंने बताया है। ये मैक्स मूलर के अनुसार है कि एशिया का बैक्ट्रिया आर्यों का मूल स्थान रहा है, जबकि बाल गंगाधर जो तिलक हैं उनका मानना है कि इनका जो मूल स्थान है उन्होंने बताया है उत्तरी ध्रुव। तो बाल गंगाधर तिलक जी कहते हैं कि इनका जो स्थान है वो उत्तरी ध्रुव है। मैक्स मूलर ने एशिया का बैक्ट्रिया बताया था, और कुछ विद्वानों ने भारत का ही मूल निवासी माना है। तो ये आर्य सभ्यता है, क्योंकि आर्य लोग ही मेन निवासी थे। अब इनके निवास के बारे में हमें पता लगा, ये कहाँ कहाँ पर निवास करते थे। अगले पॉइंट के बारे में आइए इसके बारे में जानते हैं। सातवां पॉइंट इसके बारे में ये है कि ऋग्वैदिक काल में आर्य सप्त सिंधु यानी सात नदियों वाले क्षेत्र में रहते थे, यानी कि सिंधु नदी के जो अन्य नदियां साथ में हैं उनके आसपास का इलाका इनका मेन निवास स्थान था, और इनकी सभ्यता जो थी वह ग्रामीण थी। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सभ्यता किस प्रकार की, तो ग्रामीण थी और सप्त सिंधु क्षेत्र में ये रहते थे, यानी सात नदी। अगला पॉइंट इस काल के बारे में है कि वैदिक साहित्य के बारे में जान लेते हैं। तो वेदों के बारे में, जैसा कि मैंने आपको बताया चार वेद हैं, तो वेदों के बारे में कहा गया है कि ये मानव द्वारा रचित बिल्कुल नहीं है, बल्कि इन्हें ईश्वर ने प्रदान किया है मानव के लिए, मानव के कल्याण के लिए ऐसा माना गया है। चार वेदों के अलावा उनकी संहिताएं भी हैं, जिनमें ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद एवं वेदांग को वैदिक साहित्य में शामिल किया जाता है। तो ये मुख्य मुख्य साहित्य हो गए वैदिक साहित्य में। तो सबसे पहले वेदों में ही चार जो वेद हैं, यानी कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, तो उनमें ही हम पहले जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला है ऋग्वेद।
इससे रिलेटेड अक्सर जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वेद इसलिए है, एक तो सबसे प्राचीन यही है। अगर कोई संसार में सबसे प्राचीन पुस्तक के संदर्भ में कोई प्रश्न पूछा जाता है, तो वो ऋग्वेद ही वो पुस्तक है जो कि सबसे मतलब कि प्राचीन है। तो सबसे पहले इसमें ये है कि इसमें 10,600 मंत्रों का संकलन है। ये 10,600 मंत्र हो गए इसमें। 1,028 इसमें सूक्त हैं, सबसे प्राचीन, जैसा कि मैंने आपको बताया सबसे प्राचीन पुस्तक है। 10 मंडलों में ये पुस्तक विभाजित है। इसकी 5 शाखाएं हैं। ये इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बातें हैं ऋग्वेद से रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम। 5 शाखाएं हैं। देवताओं की स्तुति इसमें है कि इसमें क्या चीज़ है, तो वो देवताओं की स्तुति है। 33 देवताओं का इसमें वर्णन है, यानी 33 कोटि, यानी 33 प्रकार के देवताओं का वर्णन इसमें है। मंडल जो क्योंकि मंडलों में बटा हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 10 मंडलों में बटा हुआ है, तो अगर मंडल 2 से 7 तक, 2 से 7 तक जो है सबसे पुराने मंडल हैं, और ये वंश मंडल या गोत्र मंडल भी कहलाते हैं क्योंकि इसमें वंश या गोत्रों का वर्णन है। 7वें मंडल में सुदास तथा 10 राजाओं के मध्य एक बड़ा ही फेमस युद्ध रहा है इतिहास में, वो हुआ था जो रावी नदी के किनारे हुआ था। तो सुदास तथा 10 राजाओं के बीच में एक युद्ध हुआ, वो भी रावी नदी किनारे लड़ा गया, इसे सुदास ने जीत लिया था। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किस नदी के किनारे हुआ या उसे किसने जीता। इसके अलावा ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वो सोम को समर्पित है, यानी सोम जो देवता है उनको समर्पित है। 10वें मंडल में ही श्री सूक्त, नारदीय सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त और विवाह सूक्त का भी वर्णन है। इस सूक्त में शूद्र शब्द भी आया है, शूद्र का भी वर्णन किया गया है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात इससे ऋग्वेद से जो बहुत ही ज़्यादा पर्सन इम्पोर्टेंट बनता है, गायत्री मंत्र ऋग्वेद से ही है और इसे हम सब आज भी जानते हैं अच्छी तरीके से। और दूसरा महामृत्युंजय मंत्र जो कि फेमस बहुत मंत्र है, प्रसिद्ध है, वो भी ऋग्वेद से ही है। अस्तो मा सद्गमे, ये आपने सेंटेंस अक्सर सुना होगा, लिखा भी होगा, तो ये भी किससे है, ऋग्वेद से है, ऋग्वेद से ही है ये भी। तो इसमें ऋग्वेद में अग्नि को आशीर्षा अपाद लोम कहा गया है। अग्नि को क्या कहा गया है तो आपको ये ध्यान रखना है, आशीर्षा अपाद और लोम कहा गया है। इसमें जिन देवियों का वर्णन है वह हैं सूर्या, उषा, अदिति जैसी देवियों का भी इसमें वर्णन किया गया है, यानी नारियों को काफ़ी उच्च स्थान प्राप्त है, देवियों को उच्च स्थान प्राप्त है। इसके अलावा इंद्र जो हैं देवताओं में, जो 33 देवता है इसमें वर्णन किया गया है कि 33 देवता हैं, तो उसमें इंद्र जो है उनको सबसे शक्तिशाली देवता हैं वो। इंद्र की स्तुति में भी, क्योंकि शक्तिशाली देवता हैं और उनकी स्तुति में भी 250 सूक्त हैं, इतने किसी देवता के सूक्त नहीं हैं, 250 सूक्त हैं और सबसे शक्तिशाली देवता इंद्र हैं। इसके अलावा इनमें 25 नदियों का वर्णन आया है ऋग्वेद में, और सिंधु का वर्णन सबसे अधिक है। जैसे देवताओं में इंद्र जी का सबसे ज़्यादा वर्णन किया गया है, ऐसे 25 नदियों में सिंधु नदी का सबसे अधिक वर्णन किया गया है। सरस्वती नदी जो है उनको सबसे अधिक पवित्र नदी माना गया है ऋग्वेदिक काल में। इसके अलावा महत्वपूर्ण हमारे में गाय जो है उसको बड़ा पवित्र माना गया है, इतना पवित्र माना गया है कि उसका वध नहीं किया जा सकता, उसको मारा नहीं जा सकता, हत्या नहीं की जा सकती, बिल्कुल मना किया गया है गाय के लिए, ये ऋग्वेद में है। और ऋग्वेद की और भी इम्पोर्टेंट बातों को मैं अब आपको आगे समझाता हूँ। ऋग्वेद के अब एक अन्य बिंदु पर भी चर्चा कर लेते हैं। ऋग्वेद के नारदीय सूक्त में निर्गुण ब्रह्म का वर्णन है। निर्गुण ब्रह्म का जो अर्थ है वो यही है कि जो ब्रह्म है यानी ईश्वर जो है उसे गुणों से परे माना गया है या निराकार माना गया है। तो ऋग्वेद के नारदीय सूक्त में ये वर्णन है। ऋग्वेद में देवताओं के चिकित्सक भिषक हैं, उनका भी वर्णन है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि देवताओं के चिकित्सक कौन है, भिषक हैं। ऋग्वेद में हिमालय पर्वत
तथा उसकी जो चोटी है उसको मुंजवत कहा गया है। ये ऋग्वेद का एक अन्य इम्पोर्टेंट बात है। एक अन्य बहुत महत्वपूर्ण बात स्त्रियों के संदर्भ में ऋग्वेद से, जो कि ऐसी कन्याएं जो लंबे समय तक अविवाहित रहती थीं उन्हें अमाजु कहा जाता था, अमाजु। तो ये ऋग्वेद की बहुत ही महत्वपूर्ण बातें थीं जो कि अक्सर एग्ज़ाम के में ज़रूर पूछी जाती हैं। अब हम आते हैं दूसरे वेद पर ऋग्वेद काल से ही, उसका नाम है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद का पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में जानते हैं। यजु का अर्थ है यज्ञ। इसमें यज्ञों या अनुष्ठानों का वर्णन है, यानी कि इसमें यज्ञ करने की विधियां जो हैं या तरीके जो हैं वो बताए गए हैं। यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, दो ब्रांचेस हैं, यानी कृष्ण यजुर्वेद पहला, यानी कि जो दक्षिण भारत में प्रचलित हुआ, और दूसरा शुक्ल यजुर्वेद यानी उत्तर भारत में जो प्रचलित हुआ है। तो ये दोनों अलग अलग क्षेत्रों में यजुर्वेद की दोनों शाखाएं जो हैं प्रचलित रही हैं। यजुर्वेद की रचना का स्थान जो है वो कुरुक्षेत्र माना गया है, यानी कुरुक्षेत्र में यजुर्वेद की मतलब रचना हुई थी देवताओं के जरिए। यजुर्वेद की पांच शाखाएं हैं, अन्य यानी कि दो तो थीं उसमें से भी एक पांच भी मानते हैं। इसमें ऋग्वेद के 363 मंत्र हैं, और जो ये मंत्र हैं वो पदात्मक हैं, यानी कि कविता के रूप में हैं, जिन्हें मतलब कि एक पोएम के रूप में गाया जा सकता है, जैसे कि बोला जा सकता है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट यजुर्वेद से जो बात है अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है कि अश्वमेध यज्ञ का वर्णन किस वेद में है और राजसूय यज्ञ का वर्णन किस में है, तो वह यजुर्वेद में है। तो यजुर्वेद में अश्वमेध तथा राजसूय दोनों ही यज्ञों का वर्णन है, क्योंकि यजुर्वेद जो है वो यज्ञ और अनुष्ठानों से संबंधित है, इसलिए इसमें इन दोनों का वर्णन भी है। तो अक्सर तो इससे यही क्वेश्चन माना जाता है। इसके अलावा हम तीसरे वेद के ऊपर बात करते हैं, जो कि जिसका नाम है सामवेद। इसमें जो मंत्रों की संख्या है वो है 1875 मंत्रों की संख्या है इसमें, जिसमें से मतलब 69 मंत्रों को छोड़कर सभी ऋग्वेद से हैं, और 17 मंत्र अर्थवेद से भी लिए गए हैं। तो 69 तो लिए गए हैं यानी सामवेद से, और 17 लिए गए हैं आपके अर्थवेद से, तथा वो यजुर्वेद के भी हैं, यानी कि ये जो 17 मंत्र हैं इसमें गीत संगीत है। सामवेद में गीत संगीत है, जबकि यजुर्वेद में यज्ञ और अनुष्ठान थे, जबकि इसमें गीत और संगीत भी है। और बहुत महत्वपूर्ण बात कि चारों वेदों में सबसे छोटा वेद है, मतलब इसकी जो जो भी इसमें कुछ लिखा गया है वो इतना लेंथी नहीं है जितना कि बाकी वेदों में है। इसके दो भाग हैं, एक पहला है आर्चिक और दूसरा है गान, यानी अर्चना करना या उसके विषय में गाना गाना जो गीत संगीत है। एक अन्य इम्पोर्टेंट भी बात इसमें और है भी है कि गीता यानी भगवत गीता तथा अनुशासन पर्व में इसका महत्व बताया गया, यानी सामवेद का महत्व जो है भगवत गीता और अनुशासन पर्व में भी बताया गया है। इसके अलावा सामवेद की गायन पद्धति नारदीय शिक्षा ग्रंथ में भी इसका वर्णन हुआ है, कि इसकी शिक्षा पद्धति को नारदीय शिक्षा ग्रंथ में भी इसके बारे में वर्णन किया गया है। सामवेद की तीन शाखाएं हैं, यानी तीन ब्रांचेस हैं इसकी। तो पहली है कौथुम, इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, एक है रणायनीय और तीसरी है जैमिनी। तो ये तीन इसकी शाखाएं हैं सामवेद की। सामवेद भारत की प्रथम संगीतात्मक पुस्तक है, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि सबसे प्राचीन पुस्तक तो ऋग्वेद है, मगर संगीत की अगर कोई प्रथम पुस्तक है तो वह है का सामवेद। अब चौथे वेद के ऊपर भी हम बात करेंगे, उससे पहले भी मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो ये वैदिक काल है, ये वैदिक सभ्यता के जो पनपने का जो पूरा क्षेत्र रहा है इनका, तो वो ये पूरा ही क्षेत्र जो है मैंने अंडरलाइन किया है। तो जिसमें कुछ क्षेत्र मैंने इसमें लिख भी दिए हैं, जिसमें कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह, बल्कि ये पूरा गंधार, ये सप्त सिंधु का क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र भी वैदिक सभ्यता का ही क्षेत्र रहा है। तो ये इनका पूरा क्षेत्र है इस काल का। अब हम चौथे
वेद के ऊपर चर्चा करते हैं। इसमें 20 अध्याय हैं, यानी 20 लेसन है इसके अंदर, 20 लेसन है तथा 8 इसके खंड हैं यानी पोर्शन है, जिसमें से 731 इसमें सूक्त हैं एवं इसमें 6,000 के लगभग मंत्र आते हैं। किसमें? अर्थवेद में। अर्थवेद का अर्थ है पवित्र जादू। कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि अर्थवेद का अर्थ ही क्या है, तो पवित्र जादू है। इसके रचयिता जो ऋषि हैं वो अर्थव हैं, अर्थव ऋषि को इनका रचयिता माना जाता है अर्थवेद का। अर्थवेद को ब्रह्म वेद भी कहते हैं, एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसमें अर्थशास्त्र, राजनीति, आयुर्वेद, भूगोल, राष्ट्रभाषा, शल्य चिकित्सा, खगोल यानी ब्रह्मांड के विषय में चर्चा है। तो ये कितना ही बहुत इम्पोर्टेंट अर्थवेद है। इसकी दो शाखाएं हैं, इसमें इसकी दो शाखाएं हैं, जिसमें से पहली है शौनक और सेकंड है पिपलाद। तो दो इसकी शाखाएं हैं, ये भी पूछा जाता है इसकी शाखाएं। पिपलाद किस वेद की शाखा है या शौनक किस वेद की शाखा है, तो वो अर्थववेद की शाखा है। ऐसा माना जाता है कि इसकी रचना सबसे बाद में हुई है, यानी इन तीनों के बाद इसकी रचना हुई है। और इसके 10वें मंडल में औषधियों यानी कि दवाइयों का भी वर्णन है, और औषधियों की जो संख्या है वो भी बताई गई है इसमें, वो है 125 यानी 125 दवाइयों का वर्णन है। और च्यवन ऋषि जिनके नाम से मेडिसिन च्यवनप्राश भी होता है, तो उनका वर्णन भी इसमें आया है। तो ये अर्थवेद से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी जो अक्सर एग्जाम में पूछी आती है। अब इनके जो वैदिक काल है या वैदिक सभ्यता है उसकी अन्य साहित्य के बारे में भी बात करते हैं।